हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है इस मेरे चैनल में जिसका नाम है LOVE एडवाइस, दिल से टिप। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा, अगर किसी लड़की से आपको बात करने में शर्म आती है या किसी भी लड़की को आपको टोकने में या बात करने से डर लगता है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको वो डर बिल्कुल भी निकल जाएगा और आप किसी से भी हंस के बातें कर सकते हो, ना कि शर्मा के। तो इसीलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में नोटिफिकेशन का बेल होगा उसे भी ऑन कर दो कि जैसे कोई भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो के दौरान आपको कोई बातें करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, पहला टिप ये है कि आपको जब भी किसी लड़की से बात करना हो ना, तो आप उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने अगर अगल बगल में ध्यान दिया तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आपको उसी चीज़ों से डर लगता है और शर्म आ जाती है कि यार वो देख रहा है, वो क्या बोलेगा। और आप इसी डर के मारे ना तो उससे बात कर पाते हो और ना ही उससे नजरें मिला पाते हो। इसीलिए फ्रेंड, आप जब भी किसी लड़की से बात करने जाओ तो उस पर पूरा ध्यान आप उस पर लगाओ, उस पर फोकस करो, ना कि अगल बगल पे। तो इस तरीके से आपको शर्म भी नहीं आएगी और डर भी नहीं लगेगा और आप बिंदास होकर बात कर सकते हैं। और अब अगला टिप ये है फ्रेंड, जब भी आप किसी लड़की से बात करने जाएं तो आप अपने माइंड को एकदम क्लीन रखें, एकदम साफ। आपके मन में कोई भी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए जिससे आपको डर लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप उस लड़की से बात करते हो तो आपके मन में ये बात आ जाए, यार कहीं मैं उसको कुछ कहूँगा तो बुरा तो नहीं मान जाएगी, वो कहीं घर पे तो नहीं बोल देगी। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको फ्रेंड, क्योंकि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली। आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो किसी भी लड़की से अगर बिना शर्माए बात कर लेते हैं तो कितनी जल्दी उससे घुल मिल जाते हैं और कितनी जल्दी उसे अपना गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं। इसीलिए फ्रेंड, आप भी अपने उस मन से नेगेटिव थिंकिंग निकाल दो और आप भी वैसे ही बात करो एकदम बिंदास होके, तो आप भी किसी भी लड़की से बात कर सकते हो। जिस दिन आपने काम कर दिया ना, उस दिन आप एकदम आसानी से हर किसी लड़की से बात कर पाओगे और शर्माओगे तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड, अब अगला टिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। फ्रेंड, मान लीजिए आप अगर उस लड़की से बात करने जाते हैं तो आपने इस बार मन में तो ठान रखा है कि आज तो मैं उससे बात करके रहूँगा, आज मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा, आज मैं उसे कह ही दूंगा। बट यही आपको बात करने जाते हो तो या तो शर्मा जाते हो या तो डर जाते हो, तो इस हालात में क्या करना चाहिए फ्रेंड? ऐसे में आपको अपने दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ इस टाइप के दोस्त आपके होने चाहिए जो थोड़े अड़ियल हो, थोड़ी जिद्दी हो, जो आपको चिढ़ाते हो। क्योंकि फ्रेंड, अगर आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हो और अगर आपके वही फ्रेंड ने आपको उकसा दिया, भड़का दिया कि चल यार तू तो ये नहीं कर सकता, चल यार ये तो ऐसा नहीं है, तो आपके माइंड में वो बात बिल्कुल भी नहीं आएगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मैं शर्माऊंगा या नहीं शर्माऊंगा। आपके अंदर कहाँ से या कहीं से भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी जिससे आप बिंदास होकर एकदम उससे बात कर सकते हो। फ्रेंड, याद रहे, आपको अगर ये टिप फॉलो करोगे ना तो किसी भी लड़की से आप बिल्कुल भी शर्माओगे नहीं बात करने में, एकदम बिंदास होकर बात करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना फ्रेंड। और अगर हमारे आप चैनल पे नए नए आए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ घंटे बैल को दबाओ। और अगर अभी भी आपको कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वहाँ भी आपको क्लियर तरीके से समझाएंगे। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।